एक स्लम का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने गंदी संकरी गलियां, छोटे घर याद आ जाते हैं, मगर वहां एक स्लम ऐसा भी है जिसकी तुलना लोग इटली के गांव पोजितानो से कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, घाट कोपल के असलफा स्लम को इतने रंगों से संवारा गया है कि आप भी यहां आकर एक बार हैरान जरूर हो जाएंगे। इस स्लम की दीवारों को देख कर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये सच में एक स्लम है। असलफा की इस बस्ती के रूप को बदलने के पीछे हाथ है जलरंगते नाम के एनजीओ का, जो स्लम में बने घरों की दीवारों को खूबसूरत रंगों से संवारण के काम में लगा हुआ है। पिछले महीने इस एनजीओ की हेडेडी पेरेडी ने मुंबई मेट्रो और पेंच बनाने वाली कंपनी स्नोसेम के साथ मिलकर इस स्लम को बदलने का सोचा था। वहां रहने वाले लोगों से बात करने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई और इस काम के लिए वॉलंटियर्स खोजने शुरू किए। इन वॉलंटियर्स में सीनियर सिटीजन तक शामिल थे जिन्होंने इस बस्ती की 175 दीवारों को पेंट किया। घाट कोपर की इस बस्ती को पेंट करने में करीब 400 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया गया, जिसे 750 लोगों द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। इस स्लम ने न सिर्फ मेट्रो से आने जाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि अब वहां कई विदेशी सैलानी भी अपने कैमरों के साथ नजर आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।